हे हाय, आप भी केराटिन ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हो? मैंने भी सोचा था, बट ये जो हाल दिख रहे हो ये देख के मेरा मन नहीं हो रहा है कि ये करवाने का है। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आपको जानना है तो ये चलिए। तो इनका मुझे ये वाला वीडियो मिला था कि ये DIY केराटिन है, तो देखते हैं ये कैसा वर्क करता बहुत है। सारे रेमेडीज़ है जो मैंने ट्राई किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो सोचा चलो ये वाला भी ट्राई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसे है। मुझे तो बहुत पसंद आया, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की ओर। और उसके लिए आपको लेना है 2 बड़े चम्मच चावल और उसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो पानी है वो अच्छे से प्लांट में डालना है, वो अच्छा खासा काम करता है प्लांट के लिए। और उसके बाद उसे अच्छे से 1 गिलास पानी डाल के हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसे मार टाइप बनाना है, मतलब थोड़ा सा पतला बनाना है हमें। और यहाँ पे दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत गजब का वर्क करता है जिनके कर्ली हेयर से लाइक मी। और इसे भी आपको 1 गिलास पानी में अच्छे से डालना है और हाई फ्लेम पे रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ही रखने के बाद ये अच्छे से बन जाता है, अदरवाइज ये उतना अच्छा नहीं बनता है। जब आपको लगता है ये बन गया है तब आप इसको चेक करके देख सकते हैं। एक तार जब बन जाती है ऑलमोस्ट डन हो जाता है, तब आपको उसकी फ्लेम बंद करनी है। और जो पानी हो गया है तैयार उसको हमको चावल में डालना है। चावल में ऑलरेडी थोड़ा पानी बचा है क्योंकि हमें उसे मार्ट टाइप बनाना था। तो इन दोनों को फिर से 5 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, अच्छे से पकाना है दोनों को। और ये दोनों भी जो चीज़ है ना वो आपके बालों के लिए बहुत गजब के वर्क करती है और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है और आपके हेयर के एक एक सेक्शन लेके उसको लगाना है। बट उसके पहले आपको हेयर वॉश करना है अच्छे से गुनगुने पानी से, क्योंकि उसके वजह से ही ना आपके क्यूटिकल्स अच्छे से खुल जाएंगे। और केराटिन में भी ऑलमोस्ट वही करते हैं, हमारे पास तो यहाँ पे कुछ अलग शैम्पू नहीं है, तो हम अच्छे से गर्म पानी से इसे धो लेंगे, सॉरी गुनगुने पानी से। तो उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे से हेड वॉश करना है और अच्छे से कोमिंग करके लेना है। थोड़ा सा धीरे से करिए, बड़े कोम से। और आपको एक एक सेक्शन लेने हैं हेयर्स के और उस पर आपको जो अपने जो बनाया बनाया है रेमेडी उसे अच्छे से आपको एक लगाना है, कुछ इस तरह जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपके छोटे हेयर से तो आप उसे सीधा ही रखिए, बट जितना मेरे जैसे बड़े हैं तो आप उसे अच्छे से बांध लीजिए और उसके बाद में आप उसे हेयर कैप पहन लीजिए। उससे गर्म रहता है और रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आपको इससे आधे से 1 घंटा आप रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है ये ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं जैसे मैंने दिखा है, तो डोंट वरी, ये बाद में वॉश करने के बाद अच्छे से निकल जाते हैं और हेयर पे बहुत अच्छा सा शाइन लाते हैं और स्मूथ बनाते हैं आपको हेयर्स को। मेरे को तो बहुत पसंद आई रेमेडी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और मेरे साथ शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बालों का पहले ये हाल था, कुछ ये हो गया है, मतलब स्मूथ हो गया है बाल, वैसे तो मेरे वेवी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।